भाजपा पार्षद नेहा गुप्ता के साथ की गई अभद्रता स्कूल प्रिंसिपल और उनके पति ने, जिसके बाद पार्षद नेहा गुप्ता हरी पर्वत थाने पहुंची। रोते बिखलते अपने बयां किया दर्द, पार्षद ने लगाए आरोप स्कूल प्रिंसिपल अलका यादव पर कि बच्चों से करवाती हैं झाड़ू पोछा। मना करने पर आज उनके साथ उनके पति ने और उन्होंने हाथापाई कर दी। तो वही स्कूल प्रिंसिपल ने भाजपा पार्षद पर लगाया आरोप कि कमीशन के लिए करती हैं आए दिन उत्पीड़न। मेरे घर पे जो स्कूल में मिड डे मील बनाती है परिषदीय विद्यालय जो सरकारी स्कूल है क्षेत्र में, सुबह उसके जो खाना बनाती है वो औरत घर पर आई ममता राजपूत, उसने आके बताया कि ऐसे ऐसे मिड डे मील में घपला हो रहा है मैम, और मेरे पे मैम चोरी का इल्जाम लगाती है, मिड डे मील का सामान मुझे कम देकर और मुझसे कहती हैं कि खाना तूने चुरा लिया। अब जब मैम मुझे सामान ही कम दिया जा रहा है तो मैं पूरा खाना कैसे बनाऊँगी? तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ, मैं मैम को समझाती हूँ इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब मैं स्कूल पहुँची तो वहाँ पर बर्थडे मील बन चुका था, और ममता वाले स्कूल में दो सेक्शन है स्कूल में, जूनियर और सीनियर। तो ममता जिसमें खाना बनाती है, जिसने मुझे कंप्लेंट करने आई थी उसमें खाना नहीं बना था, तो उसमें मतलब बच्चे स्कूल के गाली गलौज वो पूरा बताती हूँ मैं आपको। तो जब मैं स्कूल पहुँची तो वहाँ पे बच्चे बर्तन माँज रहे थे, तो अनिल शर्मा जी सारा न्यूज़ से हैं वो भी आ गए, उन्होंने मीडिया पूरा कैमरे में कवरेज किया कि बच्चे स्कूल में बर्तन माँज रहे हैं। तो उन्होंने मैम से पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो बोले ये तो होता रहता है, हम बताइए हम क्या करें, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, स्टाफ को कम पैसे दिए जाते हैं, तो स्टाफ तो करता नहीं है, बच्चे काम करते हैं कोई। उसके बाद फिर टीचर्स वगैरह की उन्होंने वाइट ली, बच्चों की वाइट ली, तो बच्चों ने भी कहा कि हाँ हम लोग यहाँ पर बर्तन मंजवाए जाते हैं, हमसे काम करवाया जाता है। तो उसके बाद हम लोग एक रूम में बैठ के बात करने लगे टीचर्स, सारी टीचर्स हम लोग, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैंने मैडम को भी कहा, मैडम ने कहा ठीक है मैडम आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा मत करना। फिर इतनी देर में अलका यादव जी जो प्रिंसिपल है वहाँ की, उनके हस्बैंड आ गए 3-4 लोगों को अपने साथ लेके, और मेरे साथ हाथापाई बदतमीजी करने लगे। बोले तेरा स्कूल में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए और तू स्कूल से निकल पा। तो मैंने कहा ये चीज़ आप सरकार से पूछिए कि पार्षदों का इंटरफेयर है कि नहीं है। तो बोले कि नहीं हम सरकार से पूछ लेंगे, तुम्हें कोई कंप्लेंट है तो अधिकारियों को दो, तुम्हारा आने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ हाथापाई और गाली गलौज करने लगे। अभी तहरीर दी है, देखिए क्या कार्रवाई होती है। हाथापाई भी हुई है? हाँ बिल्कुल, मेरे को अलका यादव के हस्बैंड ने और उनके साथ एक वकील थे, नाम मुझे नहीं मालूम, उन्होंने आके मुझसे कहा कि तुझ जैसी 10 औरतें रोज जेलता हूँ मैं। दूसरे पक्ष का ना हाथापाई नहीं हुई, गाली गलौज नहीं? नहीं नहीं, हाथापाई की है उन्होंने, और भी टीचर्स वहाँ पे गवाह हैं। कितने लोग आए थे हाथापाई की? 4-5 लोग थे ये लोग, 4-5। मैं अकेली थी, वकील थे और अलका यादव के हस्बैंड थे और 2-3 लोग और थे। आप अकेली थी? मैं अकेली थी। नहीं जी पार्षद, मैं तो आई थी तो बच्चों के स्कूल में, मैं अपना पेपर लिख रही थी, मैडम दंदनाती हुई आई, और जो मुझसे पहले तो उन्होंने पहले भी हो चुका था, उन्होंने जो ड्रेस कमीशन के चक्कर में मुझसे मांगा था कि ड्रेस इसी से लोगी और नहीं तो मुझे कमीशन दोगी, तो मैंने कहा मैडम हमें तो कुछ बचता नहीं है, हम कैसे देंगे, उस चक्कर में भी हो। उसके बाद मैं फिर आई, बोली आप MDM खाते हैं, मैंने कहा मैडम आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, उन्होंने बच्चों से किसी से भी नहीं पूछा, केवल कुक की कहती रही। फिर आके इन्होंने रजिस्टर भी फाड़ दिए, जैसे घुसती हुई चलिए दिखाओगे रजिस्टर, छीना जपटी में रजिस्टर भी फट गए जो है वो भी करती रही। और फिर मुझे हर हमेशा चाहे जब धमकाती हैं सफाई नहीं हुई ये नहीं हुई, मैंने कहा मैडम आपके पास कर्मचारी आप सफाई के लिए भिजवा दीजिए। ड्रेस का मामला मतलब एक कमेटी होती है SMC की कमेटी होती है, तो उसमें जो हम लोग जो SMC मिला के करते हैं उसमें ये भी हैं, तो हमने पार्षद मैडम भी है तो हमने इनको बुलाया, तो ये यहाँ पे स्कूल में एक भी मीटिंग में नहीं आई, हमको जो है प्राइमरी केयर को घर पे बुलवाया, घर पे ही इन्होंने कपड़ा फाइनल करवाया, गाड़ी पे अपने ही मर्जी से इन्होंने दिलवाया। फिर उसके बाद में आपके हस्बैंड आए थे स्कूल में? हस्बैंड जो है थोड़ी देर के लिए आए थे जब मैंने बुलाया, जब मैं रो रही थी, जब ये मुझे बहुत ज़्यादा धमकाने लगी, बहुत ज़्यादा मैं रोने लगी, पूरे बच्चे सब खड़े हो गए, तब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैं कि ये तो मुझे बहुत मार रही है। वकील भी आए थे? वकील का मुझे नहीं पता, वकील का मुझे नहीं पता है, सिर्फ आपके हस्बैंड आए थे? हाँ मेरे हस्बैंड तो आए थे, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया।
आज जैसे भी हमको सूचना मिली, आज हम लोग नगर निगम में थे कि हमारी पार्षद नेहागढ़ की साथ विजयनगर कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ कुछ इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उस सूचना पे हम लोग यहाँ आए हैं। तो हमको हमारी पार्षद रोती हुई मिली थाने के अंदर, उन्होंने बताया मेरे साथ बदतमीजी करी गई माँ, और जिस तरीके से ये अगर इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत निंदनीय है। हम सारे पार्षद एकजुट हैं, ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक पुलिस कह रही है, हम जांच कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी नेहागढ़ की तरफ से भी प्रार्थना पत्र दे दिया गया, उस पर जाँच हो रही है, और पुलिस जाँच करके अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसके खिलाफ पूरी तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग धरने पर भी बैठेंगे, लेकिन पार्षदों का अपमान और उनके स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं होने। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।